नमस्कार, आप देख रहे हैं तो जनता स्टॉपेज और यह तस्वीर आप के स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा अलबटे का चौक की। और देख सकते हैं कि अलबटे का चौक से महात्मा गांधी मार्ग मेन रोड की स्थिति आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है। आज भारत बंद है और भारत बंद को लेकर सड़कें जो हैं काफ़ी खाली खाली हैं और चौक चौराहों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की जो है तैनाती की गई है। जितने ट्रैफिक लाइट है उन्हें जो है नॉर्मल कर दिया गया है और हर कोई जो है देख सकते हैं आज सड़क पर बिना हेलमेट के जो है चल रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस भी जो है ट्रैफिक सिग्नल पर नहीं है और कहीं ना कहीं उन्हें जो है ड्यूटी पर लगा दिया गया है। पूरा यहाँ जो है बाजार लगा होता था लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि भारत बंद का जो है असर जो है दिखाई पड़ रहा है। यह डेली मार्केट की तस्वीर है और यहाँ से जो है चर्च रोड की ओर हम जा रहे हैं। यह रोड जो है देख सकते हैं कि जितनी दुकानें हैं सब दुकान जो है बंद पड़ी है। यह दुकान में जो रोड के किनारे जो है हमेशा जो है भीड़ लगा रहता है और यहाँ जो है लोग दुकानदार जो है दोनों ओर देख सकते हैं कि दोनों ओर जो है बंद है। कुछ दुकानें जो है खुली हुई हैं लेकिन आधा से अधिक दुकान जो है बंद है। इस गली में देख सकते हैं सन्नाटा पड़ा है, पूरे रोड में कह सकते हैं सन्नाटा पड़ा है आज। और भारत बंद का कहीं ना कहीं आज मुख्य सड़कों पर व्यापक असर देखने को मिला है, लेकिन वहीं देख सकते हैं शाम होते ही लोग अब अपने दुकानें जो हैं खोल रहे हैं और यह अच्छी बात है। देख सकते हैं सब अपने दुकान के बाहर जो है दुकानदार हैं वह अब दुकान खोलने का इंतजार करें। कुछ दुकानें खुल चुकी है, सड़क पर आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। यह भारत बंद का प्रभाव आप कह सकते हैं कि दोपहर के बाद से जो है ख़त्म हो गया है, जबकि कहा गया था कि भारत बंद जो है सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक रहेगा, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ रहा। हर कोई जो है अपनी दुकानें खोलते नज़र आ रहे हैं। तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको चर्च रोड की, राजधानी रांची की। सड़कों पर पहले की तुलना में कम भीड़ है अन्य दिनों की तुलना में, लेकिन भीड़ दिखाई पड़ रही है। यह तो मुख्य मार्ग है जिसके कारण जो है दुकानें लोग जो है बंद करके रखे हैं, लेकिन वैकल्पिक मार्गों पर दुकानें खुली हुई हैं और इससे कहीं ना कहीं जो प्रभाव होना था, आर्थिक प्रभाव जो पड़ना था वो आर्थिक प्रभाव इतना नहीं पड़ा होगा। हालांकि रांची का अपर बाज़ार जो है वह औद्योगिक क्षेत्र है, वहीं से पूरे झारखंड में जो है सामग्री जाती है और अपर बाज़ार जो है वहाँ पे जो है आधी दुकानें जो है खुली मिली हैं और आधी दुकानें जो है बंद दिखाई पड़ी है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम राजधानी रांची के बहु बाज़ार इलाके की। आज बाज़ार का दिन है और देख सकते हैं कि बाज़ार जो है लगा हुआ है, बाहर से भी लोग पहुँचे हुए हैं। हालांकि दूसरे दिनों की तुलना में आज काफ़ी कम भीड़ दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इस सड़क से गुजरने के दौरान अक्सर लोग जाम की समस्या से परेशान होते हैं, लेकिन आज जो है जाम बिल्कुल ही नहीं दिखाई पड़ रहा है और बंद जो है उसका असर पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। बाहर से जो लोग आते थे खास करके सब्जी लेने तक वह नहीं पहुंचे हैं आज, जिसके कारण कहीं ना कहीं बाज़ार आज जो है महंगा होने की संभावना भी है। सबसे अधिक जो परेशानी हुई है आज वह यात्रियों को उठानी पड़ी है, क्योंकि कई यात्री जो है उन्हें नहीं मिलने के कारण वह जो है पैदल ही इधर से उधर जाते दिखाई पड़े हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देख सकते हैं बहु बाज़ार चौक
चौक के आसपास जो है हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन बाजार लगा हुआ है। अन्य दिनों की तुलना में भीड़ थोड़ी कम है। अगर आप भी बंद का समर्थन करते हैं या फिर इसका विरोध करते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया।